नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सुर्खियों के बाद रुख अब खबरों का करते हैं और सबसे पहले बात कोटा की, जहां पर एक शराबी युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। कुन्हाड़ी इलाके में पानी की टंकी पर यह युवक शराब के नशे में चढ़कर उत्पात मचा रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उतारने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन शराबी युवक उतरने को तैयार ही नहीं है। मौके पर तमाशबीन लोगों की भी भारी भीड़ जमा हो गई। तो तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों में जो आवाजें आप सुन रहे हैं वो तमाम उन लोगों की है जो कि टंकी के नीचे मौजूद हैं और गुहार लगा रहे हैं इस युवक से टंकी से नीचे उतरने की, लेकिन ये शराबी युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया है। इलाके में पानी की टंकी पर चढ़कर ये युवक शराब के नशे में जमकर उत्पात मचा रहा है। इधर कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रमुख के निजी सहायक को ट्रैप किया गया। निजी सहायक चंद्रप्रकाश गुप्ता को ट्रैप किया गया है। 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया। एसीबी एएसपी चंद्रशील ठाकुर की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रमुख के निजी सहायक को ट्रैप किया। निजी सहायक चंद्रप्रकाश गुप्ता को ट्रैप किया गया है। 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया है चंद्रप्रकाश गुप्ता को। एसीबी एएसपी चंद्रशील ठाकुर की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इधर कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए कई बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उनका यह कहना है कि नागरिकता जन्म से मिलती है, धर्म जाति और मजहब के आधार पर नागरिकता, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। वहीं गहलोत सरकार के एक साल को भी उन्होंने बेमिसाल बताया। उनसे खास बातचीत के जी मीडिया संवाददाता रौनक व्यास। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला आज बीकानेर के दौरे पर हमारे साथ है। बात करने के लिए बात करता हूं सर, सरकार का एक साल क्या कहेंगे, किस तरह से रहा, क्या उपलब्धियां रही और साथ साथ क्या कुछ कमियां रहेगी जो आगे प्लानिंग में आ रही है? एक वर्ष में हमने बिजली का उत्पादन 946 मेगावाट नया किया है और बहुत शीघ्र मार्च और अप्रैल के महीने में हम एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट सूरतगढ़ में ला रहे हैं। इसके अलावा हमने 1,00,000 से अधिक लोगों को कृषि कुओं के कनेक्शन दिए। कृषि विद्युत दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की और बहुत शीघ्र हम एक कुसुम योजना लेके आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो भी किसान अपने खेत में सोलर पंप लगाएगा उसको 30% अनुदान राशि राज्य सरकार की तरफ से, 30% केंद्र से और 30% राशि नाबार्ड से लोन दिलवा करके हम देंगे और 10% राशि उसको स्वयं को वहन करनी पड़ेगी। रेगुलेशन को लेकर जो बात चल रही थी उसमें लगातार वो ये कह रहे थे कि 4 समूह की जगह 2 समूह में बांट दिया जाए ताकि वक्त पे पानी मिले, फसलें खराब ना हो, और केंद्र सरकार जो मंत्रालय उन्होंने भी असेसमेंट की जो है निर्देश जारी किए, तो क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा या एक सिर्फ बात करने वाली बात है? मैं समझता हूं कि ये जो विषय है ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार जो है, बल्कि केंद्र सरकार को तो ये चाहिए कि राजस्थान को अपने हिस्से का पानी पूरा दिलवाए, न कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम, तो इसमें सरकार भी नहीं आती, इसके लिए समिति बनी हुई है किसानों की, चीफ इंजीनियर की। उस समिति में डिसाइड होता है कि किस ब्रांच को कितना पानी मिले, किसको क्या मिले, क्योंकि तमाम जितने इस इलाके के केंद्रीय सरकार को तो ये चाहिए कि राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा को, जो जिस जिसका हिस्सा है उसका पानी पूरा मिले, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। नहीं, क्योंकि एक बैठक हुई है उसमें ये कहा गया कि तमाम जो एमएलए बीजेपी के पश्चिमी रेगिस्तान के वो वहां पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ, और वो वहां पर ये कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार मंत्री जो है वो ध्यान नहीं दे रहे इस किसानों की इस चीज को लेकर के, कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी ये बन गया है सर अपने आप में पड़ा। कोई मुद्दे, मैंने कहा ना बोंग डैम में इतना पानी है जो पिछले 10 साल में नहीं था, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि केंद्रीय सरकार को चाहिए कि वो ये सुनिश्चित करे कि जो पानी राजस्थान का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा है, उस भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में ऐसी व्यवस्था करे कि सबको अपना अपना हिस्सा मिले, वो पूरा हिस्सा मिलेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बीडी कल्ला जो कह रहे हैं कि एक साल में सरकार ने वो तमाम वादे किए, काम किए जो उन्होंने वादे किए थे, साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर दिल्ली रैली पर भी खुलकर बात करते नजर आए। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया।
बीकानेर। आगे बढ़ते हैं। इधर जयपुर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए एनएसएस वॉलंटियर्स और स्काउट गाइड्स के साथ ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। कार्यक्रम के दौरान यातायात नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए हाथों में तख्तियां लिए एनएसएस वॉलंटियर्स और स्काउट गाइड्स ने लोगों से यातायात नियमों की सख्ती से पालना करने के लिए संदेश दिया। वहीं पर एनएसएस वॉलंटियर्स ने नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। जागरूकता कार्यक्रम में एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जयपाल लांबा, डीसीपी जयपुर ट्रैफिक राहुल प्रकाश समेत शहर यातायात पुलिस के अधिकारियों ने युवाओं से सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों की पालना करने के लिए भी शपथ दिलाई। ट्रैफिक अवेयरनेस को जन जन तक पहुंचावे और इसको एक जन आंदोलन का रूप दे, तो मैं समझता हूं कि आज का ये जो प्रासंगिक विषय है ट्रैफिक को लेकर के, एक्सीडेंट और डेथ्स को लेकर के जो समाज में परेशानी है, इससे हमें मुक्ति मिल सके। राजस्थान पुलिस, एनएसएस और कई सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता अभियान ट्रैफिक को लेकर चलाया जा रहा है। शहर का ये रामबाग चौराहा है जहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे यहाँ पर या कॉलेज के जो छात्र हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जो कि यातायात को लेकर एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि हेलमेट सुरक्षा का बोझ नहीं है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सड़क दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति किसी की भी मदद करने से ना घबराए। सबसे बड़ा संदेश यहाँ पर यही देने की कोशिश की जा रही है। जो ट्रैफिक के यहाँ पर जो संस्थाएं आई हुई है, जो छात्र आए हुए हैं यहाँ पर, एक तरह का आप देख सकते हैं ये क्रिएटिविटी के जरिए छात्रों को दिखाया गया है कि जो हेलमेट लगाकर नहीं चलते हैं, जो बाइक लापरवाही से चलाते हैं, उनके साथ किस तरह की दुर्घटना पेश आ सकती है, किस तरह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, इस बारे में यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिखाया गया है। स्लोगन अलग अलग तरह के पोस्टर, बैनर, स्टिकर छात्रों के हाथों में आप देख सकते हैं, जहाँ पर संदेश यही दिया जा रहा है कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, आप किसी भी तरह की असावधानी यहाँ पर नहीं बरते। यही संदेश देने की कोशिश यहाँ पर छात्र छात्राओं की ओर से ठीक जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर रूल्स का पालन करेंगे आप जो पुलिस यहाँ पर संदेश छात्रों के जरिए देने की कोशिश कर रही है, तो आप किसी भी तरह की दुर्घटना से बच सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में हर साल 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ दुर्घटनाओं की वजह से हो सकती है। अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो इन मौत के आंकड़ों को कम किया जा सकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर। इधर राहुल गांधी के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उधर आए हैं। उन्होंने कहा कि जनता जानती है राहुल गांधी की मंशा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने मजबूत विकल्प है राहुल गांधी। दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत ने यह कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से देश में भय का माहौल है, आर्थिक नीतियों से व्यापार धंधे चौपट हो गए, युवाओं में बेरोजगारी का आलम है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है और मोदी सरकार भावनात्मक मुद्दों के सहारे मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। पहले 370, राम मंदिर और अब कैब के माध्यम से लोगों को बरगला रहे हैं। राहुल गांधी के लीडरशिप के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निश्चित रूप से मजबूत नेता है जो सरकार के खिलाफ कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। राजस्थान में बहुत उत्साह है, शानदार रैली हुई कल, पूरे देश भर के कार्यकर्ता आ रहे हैं। बाढ़ बचाओ रैली के मायने क्या समझ सकते हो, और देश के जो हालात है उससे पूरा मुल्क चिंतित है, तो बोल नहीं पा रहे, भय थे, अविश्वास का माहौल है, हिंसा का माहौल है, उस माहौल में मुल्क चल रहा है, काम धंधे चौपट हो रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही बल्कि नौकरी जा रही है। एक प्रकार से जो एजेंडा होना चाहिए देश का, रोजगार की समस्या सबसे बड़ी है, किसानों की समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, उस पर सरकार का ध्यान जा नहीं रहा है, और सरकार जानबूझ करके कभी राष्ट्रवाद की बात करती है, कभी 370 की बात करती है, कभी कैब लेके आ गई। राजस्थान से 50,000 से ज्यादा
हमारे कार्यकर्ता पार्टी के यहाँ आएंगे, बहुत जोश है पार्टी में, और जिस तरह के हालात देश में बन गए हैं मोदी जी की और बीजेपी की सरकार के रहते हुए, आज हर तरफ हर वर्ग निराशा के दौर से गुजर रहा है। बेरोजगार नौजवान परेशान है, आर्थिक मंदी की स्थिति देश के सामने है, और जिस तरह के हालात उद्योग धंधों के बने हैं, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, एक एक पेज का विज्ञापन दे रहे हैं, और देश के हालात बहुत खराब है और कानून और व्यवस्था इनके बस की बात रही नहीं है। अब लोग मोदी जी के 2014 में जो कही गई बातें हैं उनको आप चला रहे हैं, जो आरोप उन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाए उससे डबल आरोप उनके ऊपर आज बन रहे हैं। इधर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने स्थानीय पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल को 7,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे एसीबी की ओर से कार्रवाई की गई थी, जिसमें कुशलगढ़ पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल बाबर खान को 7,000 रूपये की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। परिवादी बुद्धिलाल ढोली ने 11 दिसम्बर को प्रार्थना पत्र पेश किया था। बाबर खान ने मुकदमा हल्का करने और शीघ्र चालान पेश करने के एवज में 10,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था। इसके बाद में 7,000 रूपये में मामला तय हुआ और एसीबी ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया। इधर झालावाड़ के असनावर कस्बे में अज्ञात बदमाशों ने नेशनल हाईवे 52 पर बस स्टैंड इलाके में एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश की। एटीएम को गैस कटर से काटने की कोशिश भी की गई थी। सुबह इस घटना का ग्रामीणों से पता चलने के बाद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मौका मुआयना किया। पुलिस को एटीएम के सीसीटीवी में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों की तस्वीरें भी मिल गई हैं। सीकर के दाता रामगढ़ में दाता गांव में एक प्लॉट में गढ़ा हुआ सोना चांदी निकलने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। गौरतलब है कि गोपाल लाल कुमावत ने फरवरी 2019 में अपने काका मूलचंद के निधन पर जागरण में आए चंपालाल जोधपुर के खिलाफ जमीन में गढ़ा धन निकालने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की ठगी करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। गोपाल लाल कुमावत निवासी दाता ने उसके साथ गढ़ा हुआ धन निकालने के नाम पर ठगी करने का एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मुलजिम द्वारा 2.5 लाख रुपए ठगे गए हैं, जिसमें आज चंपालाल जो पीपाड़ जोधपुर का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है, अभी पीसी रिमांड पे चल रहा है। इधर सीकर के रामलीला मैदान में डेयरी चलाने वाले एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की ओर से थाने में दी शिकायत में बताया गया है कि मृतक संजय कुमार शराब का आदी था, नशे में खुद को अक्सर फांसी लगाने की धमकी देता था। वो चांदपुर गेट के पास किराए के मकान में रहता था। सुबह उनके परिजन डेयरी पर पहुंचे तो संजय फांसी के फंदे पर झूलता हुआ पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के सासरपुर गांव में एक वृद्ध ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार 65 वर्षीय तेजा अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसकी जानकारी मृतक की पत्नी ने अपने बेटे को दी, जिस पर उसका बेटा मौके पर पहुंचा और धम्बोला थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। उदयपुर के सलूम्बर के तालाब में आज सुबह युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सुबह क्षेत्रवासियों का तालाब के पास से गुजरना हुआ तो उन्होंने देखा कि एक युवक की पानी में शव तैर रहा है, जिस पर क्षेत्रवासियों ने सलूम्बर थाना पुलिस को सूचित किया। मृतक की पहचान सलूम्बर पटेलवाड़ा निवासी भरत सिंह 25 साल का जो बताया जा रहा है के तौर पर हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा यहां पर दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल भी मौके पर पहुंचकर पुलिस ने की थी।
बात अब सीकर की, जहां नेछवा थाना इलाके के अलखपुरा बोगन गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक बालक की मौत हो गई। नेछवा थाना पुलिस ने हेड कांस्टेबल भवरलाल ने बताया कि मृतक अलखपुरा बोगन गांव का रहने वाला है, अमित कुमार उसका नाम बताया जा रहा है। जहां वहां आपको बता दें, अमित कुमार पर आकाशीय बिजली गिर गई थी जिससे वो घायल हो गया था। घायल अवस्था में उसे सीकर राजकीय एसके अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उपचार के दौरान अमित ने दम तोड़ दिया। इधर बूंदी में बीती रात डाबी के जैन मंदिर में अज्ञात चोरों ने वहां स्थापित दो अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर फरार होने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिए थे और तिजोरी में रखे करीब 1.5 लाख से अधिक राशि को ले उठे। सवेरे सूचना के बाद मौके पर पहुंची डाबी पुलिस ने मामले की जांच की। मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को देखते हुए अलग अलग टीमें जांच की दिशा में काम कर रही है। दो अष्टधातु की मूर्तियां और एक तिजोरी को ले जाने का पता चला है। इसका मौका मुआयना मैंने भी किया है और हमारी एफएसएल टीम एमओवी टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और उसके जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी हम देख रहे हैं और पुराने जो भी चलानशुदा अपराधी है उनके बारे में जानकारी जानने और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। बीकानेर के रानी बाजार इलाके में आज सड़क हादसा सामने आया, जहां स्कूल बच्चों से भरी ऑटो को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो पलटी खा गया और उसमें बैठे बच्चों में से 3 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं ऑटो चालक भी इस हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया है। वहीं पर बच्चों को पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। मौके पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी। पहाड़ पर बर्फ गिरी तो रेगिस्तान में आफत आ गई। पहाड़ों की बर्फबारी के बाद रेगिस्तान में पिछले 12 घंटे बेहद आफत भरे रहे और कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई तो कई जगहों पर ओले गिरे। बारिश से तो किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन ओलों ने उन्हें मायूस भी कर दिया है। बात करें सर्दी की, तभी इलाकों में बारिश की वजह से अचानक सर्दी बढ़ गई है। सीधे कहें तो रेगिस्तान ठिठुर गया है। वहीं बदले मौसम का असर प्रदेश में बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है। खासकर जयपुर, सीकर, अलवर, नागौर, टोंक, चूरू, झुंझुनू में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। जयपुर शहर सर्किल से बीते दिन 2001 बिजली संबंधी शिकायतें दर्ज हुई। जयपुर डिस्कॉम के सभी डिवीजन से 6120 शिकायतें मिली। इसमें सेंट्रलाइज कस्टमर केयर सेंटर पर 4890 शिकायतें मिली है और उपभोक्ता सेवा केंद्रों पर 1230 शिकायतें। ग्रामीण इलाकों से दर्ज हुई कई शिकायतों का अभी तक समाधान तक नहीं हुआ है। सहित प्रदेश भर में मौसम तंत्र में आए बदलाव का असर पावर सेक्टर पर भी है। बिजली में समस्याएं बढ़ी हैं, ट्रिपिंग और फॉल्ट की समस्याओं के सुधार का समय में भी इजाफा हुआ है। हम बिजली विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए डेटा की तरफ ध्यान दें तो 4890 शिकायतें कल दर्ज हुई, उनमें सबसे अधिक जयपुर सिटी सर्किल में रही, 2001 शिकायतें रही। और अगर हम बात करें ग्रामीण सर्किल की तो 650 शिकायतें भी यहां पर दर्ज की गई है कॉल सेंटर में। इसके अलावा करीब 30% अन्य शिकायतें हैं जिनका समाधान स्थानीय केंद्रों पर किया गया। वहीं हम 11 तारीख की बात करें तो महज जयपुर सर्किल में 1088 शिकायतें थी, यानी कि दोगुनी शिकायत हो गई है। उसके अलावा हम बात करें 10 दिसंबर की तो 1260 शिकायत थी, यानी कि शिकायतों का ग्राफ तेजी से बढ़ाया। रात को कई इलाकों में बत्ती गुल रही है, 3 से 4 घंटे फॉल्ट ठीक करने में लगे हैं। वहीं कुछ ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ओलावृष्टि अधिक हुई है, वहां पर अभी भी बिजली सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें बिजली तंत्र सुधार में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। बिजली विभाग ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, मौसम बदलाव को लेकर एक बैठक भी बुलाई है जिसमें तीनों डिस्कॉम्स चर्चा करेंगी कि किन किन इलाकों में अधिक असर पड़ा है और विभाग कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द पावर सेक्टर में जो खराबी आई है उसे दुरुस्त कर सभी घरों और कृषि कनेक्शनों तक पावर पहुंचाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुंबरे के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। बारिश और कोहरे के कारण बढ़ी सर्दी का असर सवाई माधोपुर, करौली और जालौर में भी दिखाई दे रहा है।
उपखंड क्षेत्र बौली में मौसम का मिजाज बदला है, जिससे विजयगढ़ पहाड़ी पर कोहरे की चादर फैली हुई दिखाई थी। वहीं करौली में लगातार दूसरे दिन कोहरा छाए रहने के कारण देर रात सूरज के आसमान में दर्शन नहीं हुए। इसके कारण सर्दी का प्रकोप बढ़ा है, जबकि जालौर के रानीवाड़ा को कोहरे की चादर ने ढके रखा। सुबह 5 बजे से कोहरा और सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कल से राजधानी में फैला पैंथर का खौफ आज 20 घंटे की मशक्कत के बाद खत्म हो गया। राजधानी में आबादी क्षेत्र में घुसे पैंथर का रेस्क्यू करके पैंथर को आमेर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंचा दिया गया है। रेस्क्यू पैंथर का रखरखाव बायोलॉजिकल पार्क में ही किया जाएगा। पैंथर को वन में छोड़े जाने के वक्त DFO सुदर्शन शर्मा और डॉक्टर अरविंद माथुर भी मौजूद थे। इधर मर्दानी 2 फिल्म आज कोटा के सिनेमा घरों में कड़ी सुरक्षा के बीच रिलीज हुई। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो। यहां तक कि थिएटर्स में दर्शकों के बीच पुलिसकर्मी भी बैठकर फिल्म देख रहे थे। दरअसल मर्दानी 2 फिल्म में एक दृश्य की शूटिंग कोटा में ही हुई थी, जिसमें कोटा के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया था, जिसे लेकर कोटा की जनता में भारी आक्रोश था और फिल्म को लेकर कोटा के लोगों ने राजस्थान सरकार से फिल्म को रिलीज नहीं करने की अपील की थी, जिस पर फिल्म के निर्माता निर्देशक ने उस विवादास्पद दृश्य को हटाने की बात कही थी। रिस्पॉन्स कम है, लेकिन जो जिन्होंने मूवी देखी है वो ये बता रहे हैं पिक्चर बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी बनाई गई है और बहुत पुलिस का काम बहुत बढ़िया दिखाया गया है इसके अंदर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक दिवसीय दौरे पर अलवर के बांसूर पहुंचकर बांसूर के बुटेरी टोल नाका पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 21 किलो की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष को सभा स्थल तक बग्गी में लाया गया था। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा, ज्ञानदेव आहूजा, अलवर विधायक संजय शर्मा समेत कई भाजपाई मौजूद थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम 150 गांव 150 खबर।